गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखिए, बेसिकली लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अभी प्रीवियस लेक्चर देखा है, हमने उसमें साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस किया था। अब बेसिकली हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करते हैं। देखिए, मैंने आपको जनरली तीन पॉइंट्स बताए हैं। जो न्यूक्लियस होता है वो बेसिकली तीन पॉइंट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो सेल होता है, न्यूक्लियस नहीं सेल, वो बेसिकली तीन पोर्शन से मिलकर बना होता है इनिशियल लेवल पे। कौन कौन से हो गए आपके? न्यूक्लियस मैंने बताया आपको, साइटोप्लाज्म मैंने बताया, और आपको मैंने एक बताया था आपके प्लाज्म मेम्ब्रेन। एक्चुअल में देखिए ये तीन ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे, बाकी भी बोलते हैं बच्चे के सर इतने सारे पॉइंट्स हैं फिर ये तीन ही कैसे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जिसमें एग्जाम्पल ये आपका क्या है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद ये आपके सेंटर में क्या है न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये दो पोर्शन आपके कंप्लीट हुए। अब जो थर्ड पोर्शन जो हमने पढ़ा है साइटोप्लाज्म, वो क्या है एक्चुअल में? ऐसा लिक्विड होता है जिसके अंदर फिल होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक तरह का लिक्विड होता है जो इस तरह से न्यूक्लियस के अंदर फिल होता है। तो होप आपने समझा क्या है। तो एक्चुअल में ये क्या है, इस सेल के अंदर इस तरह से फ्लूड होता है जो आपका क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म। तो ये इस तरह से सेल होता है आपका। अब बेसिकली क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म है ना, इसके अंदर कुछ फ्लोटिंग थिंग्स होती हैं जो इसमें फ्लोट करती हैं। ठीक है, जो इसमें फ्लोट करती हैं अलग 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 अलग। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अलग अलग कलर से दिखाया ना, कुछ इस तरह से अलग अलग चीज़ें फ्लोट होती है। ठीक है, तो वो इस साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करती हैं। इसलिए हम जनरली क्या मानते हैं कि जो सेल है वो जनरली तीन ही पार्ट से मिलकर बना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपका सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, सेकंड आपका न्यूक्लियस हो गया, और थर्ड आपका क्या हो गया, ये जो लिक्विड आपके भरा हुआ है जिस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, साइटो प्लाज्म। बाकी सब चीज़ें क्या होती हैं, इनके अंदर फिल होती हैं। क्या होती है? इनके अंदर फिल होती है। ठीक है, तो देखिए आप, मैं आपको एक बार वापस दिखा देता हूँ, जस्ट मिनट, पहले इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से। ओके, तो लेट्स डिस्कस। देखिए आप, तो देखिए साइटोप्लाज्म मैंने बताया आपको। अभी देखिए आप, यहाँ पर ये ब्राउनिश कलर का दिख रहा होगा आपको, ये पूरा ये लिक्विड सा है, ये ब्राउन सा है ना, जो आपको लाइट लाइट ब्राउन दिख रहा है, ये क्या है, पूरा लिक्विड है। अब इस लिक्विड के अंदर अलग अलग है, गॉल्गी अपैरेटस आप देख रहे हैं इसके अंदर, इस लिक्विड के अंदर है। ये ब्लू कलर का आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है। ठीक है, इस तरह से लाइबोसोम्स आपको दिख रहे हैं, ये ब्लू कलर के बेसिकली क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको यहाँ दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये देखिए सब इस लिक्विड में फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, वैक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, माइकोवेली, ठीक है, सेंट्रोइड, तो ये सब इसमें फ्लोट कर रहे हैं। तो बेसिकली जनरली ये बोला जाता है कि तीन पोर्शन से न्यूक्लियस बनाए आपका, मतलब सॉरी सेल, सेल न्यूक्लियस नहीं सेल बनाए। कौन कौन से? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, एंड आपका थर्ड इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें थिंग्स क्या करती हैं, फ्लोट करती हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए साइटोप्लाज्म के अंदर मैंने आपको साइटोसोल प्रीवियस लेक्चर में बता दिया कि साइटोसोल क्या होता है। जस्ट मिनट, साइटोसोल मैं बता चुका हूँ आपको, साइटोस्केलेटन में बता चुका हूँ, प्रोटीन्स का एक लेयर बनी होती है। आगे देखिए, आज हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, पहले अपन डिस्कस करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, पहले हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ये क्या होता है। तो देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्री तरह की शेप्स होती है एक्चुअल में, कैसे होती है अभी हम देखेंगे। अब इस डायग्राम को भी एक बार स्किप कीजिए। देखिए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इट इज द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बताया मैंने आपको, लिक्विड है, याद करिए। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको कि आप जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे ना हम सेल के अंदर, वो सब क्या होंगी, वो सब साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होगी। किस में प्रेजेंट होगी? साइटोप्लाज्म के अंदर। क्यों? साइटोप्लाज्म क्या है, एक लिक्विड है जिसके अंदर ये सब चीज़ें सेल की, बाकी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें क्या होती है, सेल की प्रेजेंट होती है। ठीक है, देखिए आप, मैं ऊपर भी दिखा देता हूँ आपको, हमने देखा था साइटोप्लाज्म, ये देखिए यहाँ पे। तो इट इज़ द, मैंने आपको बताया साइटोप्लाज्म का एक एक्वस सॉल्यूशन होता है, साइटोसोल के जो प्रेजेंट होता है उसमें क्या होती है, एक साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है प्रोटीन्स का। ठीक है, तो एक लिक्विड फॉर्मेशन मैंने बता दिया आपको, एक लिक्विड फॉर्म होता है जिसके अंदर कैटाबॉलिक और बायोसिंथेटिक प्रोसेस फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब देखिए आप, तो इट इज अ नेटवर्क ऑफ द मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, एक नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन्स का, क्या होता है, मेम्ब्रेन्स का एक नेटवर्क होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय पोर्टर, क्लैडू एंड फुलम। नाम ध्यान रखने हैं आपको साइंटिस्टों के, दीज आर प्रेजेंट इन ऑल सेल्स एक्सेप्ट प्रोकैरियोटिक। ये मोस्ट ऑफ आपको सेल्स हर सेल में मिलेंगे एक्सेप्ट प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्यों नहीं मिलेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था प्रोकैरियोटिक कैसा होता है, प्राइमरी लेवल का सेल होता है, इसके अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए क्या होगा आपको ये प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलेंगे। इसके अलावा भी एक और आपको ध्यान रखना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है एमसीक्यू के लिए, कौन होंगे वो आपके मैमिलियन, ठीक है, कौन होंगे आपके मैमिलियन एर्थोक्रेटिक्स। ठीक है, कौन होंगे मैमिलियन एर्थोक्रेटिक्स, ये क्या होते हैं इसको हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी में, जो बायोडाइवर्सिटी आपका चैप्टर आएगा उसके अंदर आपको समझ में आएगा कंप्लीट कि क्या होते हैं। अभी आपको जनरली यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बेसिकली दो चीज़ों में नहीं मिलता, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं मिलता, और आपके एक आपके नहीं मिलेगा एक मैमिलियन एर्थोक्राइट्स। ठीक है, इन दो में आपको ये नहीं मिलेगा। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, मेम्ब्रेन्स का एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। आगे देखिए, दे आर मेड अप ऑफ थ्री कंपोनेंट्स, ये बेसिकली तीन कंपोनेंट्स। अच्छा, ये क्या फंक्शन करते हैं इनके बारे में भी हम देखेंगे।
बेसिकली तीन कंपोनेंट से बने होते हैं, तीन कंपोनेंट मतलब ये तीन तरीके से बने हुए होते हैं, ठीक है। अब ये डायग्राम जो है वो बेसिकली सीखे, फर्स्ट है आपका सिस्टम, तो ये क्या होता है, दीज आर लॉन्ग फ्लैटन पैरली अरेंज्ड अनब्रांच्ड ट्यूबल्स, दीज फॉर्म सक्सेसिव लेयर्स ऑफ न्यूक्लियस, दीज आर फाउंड इन द सेल विच इन आर इन एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस एंड आर 40 to 50 माइक्रोमीटर। ये क्या है, म्यू दिया है, तो म्यू का मतलब कहता है माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो कहने का मतलब क्या है कि लॉन्ग फ्लैट होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंट टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो आपको दिख रहे हैं तीनों ऊपर, ठीक है। तो देखिए जिसमें फर्स्ट क्या है सिस्टम, तो ये सिस्टम आपके फर्स्ट वाला है, ठीक है। क्या बोला गया, लॉन्ग फ्लैटन, देखिए आप लॉन्ग है फ्लैटन, ये देखिए आप कैसे फ्लैटन है, सारी एक दूसरे के पैरेलल है, देख पा रहे हैं आप, सब एक दूसरे के पैरेलल है, सारी अरेंज है, ठीक है, ट्यूब फॉर्म के अंदर। तो और बेसिकली सक्सेसिव लेयर्स है न्यूक्लियस के चारों ओर, न्यूक्लियस की एक लेयर्स होती हैं, दीज आर फाउंड इन सेल्स विच आर एक्टिव इन प्रोटीन सिंथेसिस। मोस्टली आपको कहाँ मिलेगा, जिन सेल्स के अंदर क्या होंगे, प्रोटीन्स की ज़्यादा अमाउंट मिलता है, प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा जहाँ मिलेगा वहाँ आपको ये इस तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, ठीक है। आपको पहले क्या ध्यान रखना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, एक नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन्स का, क्या होता है मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क, क्या होता है अभी हम देखेंगे क्या काम करता है ये, अभी बेसिक आइडिया पढ़ रहे हैं कि होता क्या है, मतलब क्या क्या इसके अंदर होता है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका ये इस तरह से हो सकता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कहाँ मिलेगा, जहाँ पर प्रोटीन ज़्यादा एक्टिव अमाउंट में मिलेगा, सिंथेसाइज ज़्यादा होगा। डायमीटर ध्यान रखना 40 to 50 माइक्रोमीटर, 40 to 50 माइक्रोमीटर। सेकंड जो है वो वेसल्स है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वेसल्स, ये देखिए आपको वेसल्स दिखा हुआ है, तो देखिए दीज आर द अराउंड और स्पैरिकल, दे आर फाउंडेड इन सिंथेटिकली एक्टिव सेल्स, ठीक है। ये किस तरह का होगा आपका, आपके स्पैरिकल शेप में होगा, किस तरह का होगा, स्पैरिकल शेप में होगा और एक्टिव सेल्स में मिलेगा आपको, कहाँ मिलेगा, एक्टिव सेल्स में। थर्ड जो है वो आपका ट्यूबल्स है, अच्छा इसमें दिया नहीं है, बताता हूँ, थर्ड आपका क्या, ट्यूबल्स है, ट्यूब्स की फॉर्म में मिलेगा, आप देख पा रहे हैं, देखिए आप ट्यूब्स बनी हुई अलग अलग, ठीक है। अब ब्रांच भी है, तो इसमें ब्रांच नहीं है, इसमें भी ब्रांच नहीं है, लेकिन देखिए अब यहाँ पर ब्रांच है, ठीक है, इसमें आप ब्रांच देख पा रहे होंगे, देखिए अगर मैं इसको ये वाला जो है इसको डिटेल में देखें, तो ये इस तरह से ब्रांच बनी हुई है, इसमें दिख रही है आपको, इस तरह से ब्रांचेज बनी हुई है, तो देखिए ये एक ब्रांच ये बनती है, एक ब्रांच ये बन रही है, ठीक है। तो ये ब्रांच्ड की फॉर्म में होता है, आपको ध्यान रखना, तो आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू के अंदर कि ऐसा कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो ब्रांच्ड फॉर्म में होता है, आपको ध्यान रखना कौन सा होगा आपके ट्यूबल्स में, किस में होगा, ट्यूबल्स में। अच्छा इस ट्यूबल्स का एक फॉर्म ये होती है, क्योंकि ये भी ट्यूब्स में है, ये भी ट्यूब्स में, बस ये क्या है, ये पैरेलल है, ये सब क्या है, पैरेलल है, जबकि ये क्या है, पैरेलल नहीं होती, ब्रांच्ड फॉर्म में होती है, ठीक है, सेपरेट भी होती है और ब्रांच्ड फॉर्म में भी होती है, जबकि ये क्या होती है, एक ट्यूब्स की फॉर्म में होती है, लेकिन क्या होती है, पैरेलल होती है, फ्लैट होती है और लॉन्ग होती है, कौन सी होती है, सिस्टम है, वेसल्स राउंड फॉर्म में होगी, स्पैरिकल फॉर्म में होगी और ट्यूबल्स की होंगी, पाइप्स की फॉर्म में होगी। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा हमने, क्या होगा, मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क हो गया, किस किस साइंटिस्ट ने किया वो हम देख चुके हैं, किस में नहीं मिलेगा, ये प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलेगा, मैनिमेलियन एरिथ्रोसाइट्स में नहीं मिलेगा, और इसके तो तीन कंपोनेंट होता है, ये तीन कंपोनेंट हम देख चुके हैं। अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ये साइजेस दी हुई हैं आपको अलग अलग ऑर्गेनल के अंदर, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता किस किस तरह का, तो दो तरह का होता है, आपको ध्यान रखना, स्मूथ एंड रफ, कैसा कैसा होगा, स्मूथ एंड रफ, अभी डायग्राम में देखेंगे, पहले एक बार इसके पॉइंट्स देख लीजिए। स्मूथ में क्या होगा, मेड ऑफ ट्यूबल्स मेनली, मेनली किसका बना होगा, ट्यूबल्स, तो कहने का मतलब क्या है कि ये ट्यूबल्स का मेनली बना होगा, ये क्या होगा आपका स्मूथ, क्या होगा स्मूथ, अच्छा ट्यूबल्स का बना हुआ है, ठीक है, तो ये इस तरह से ट्यूब्स बनी होगी। आगे क्या है, हेल्प्स इन स्टेरॉइड्स लिपिड्स एंड प्लाज्मोसराइड सिंथेसिस, आपको क्या करेगा, ये इन चीज़ों को सिंथेसाइज करेगा, किस किस को, स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स आपको पता हो, अगर आपको स्टेरॉइड दिया हुआ है, बल्कि स्टेरॉइड्स भी आप बोल सकते हैं, स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, अगर आपने देखा हो तो जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस लेते हैं, ठीक है, जो बहुत हार्मफुल होता है, किडनी और लीवर पे इंपैक्ट बहुत ज़्यादा डालता है, लेकिन आपको क्या करता है, ये बॉडी को बहुत ज़्यादा बना देता है, ठीक है, मतलब आपके मसल्स को क्या करती है, बिल्कुल पंप अप कर देता है, तो इसलिए जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस लेते हैं। तो हेल्थ क्या करेगा, आपके स्टेरॉइड लिपिड्स एंड पॉलीस्टेरॉइड्स को सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस मतलब उनको क्या करता है, उनको डिकम्पोज करता है, उससे एनर्जी बनाता है एटीपी की फॉर्म में, एनर्जी का आपको फॉर्म पता होना चाहिए, ह्यूमंस के अंदर जो एनर्जी बनती है वो एटीपी की फॉर्म में बनती है, अमीनो ट्राई फॉस्फेट एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो ह्यूमंस के अंदर बनती है, तो जितनी भी चीज़ें हम लोग खाते हैं या जो भी चीज़ हम लेते हैं उनको सिंथेसाइज होने के बाद सब एनर्जी किस फॉर्म में बनेगी, एटीपी की फॉर्म में, तो ये इन इनको क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा, सिंथेसाइज का मतलब आप समझ चुके हैं, पूरा डाइजेस्ट करके उनको जो भी हेल्पफुल मटेरियल वो हमारे पास रहेंगे और जो हेल्पफुल मटेरियल है उनको हम क्या करेंगे, एक्सक्रीट कर देंगे। नेक्स्ट राइबोसोम्स आर एब्सेंट, इसमें राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, राइबोसोम्स क्या होते हैं अभी हम आगे देखेंगे, बस आपको ध्यान रखना है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट हेल्प्स इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ये आपको क्या करेगा, मेम्ब्रेन की बायोजेनेसिस में हेल्प करता है, बायोजेनेसिस का मतलब क्या है, मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का, उसको सिंथेसाइज करने का हेल्प करता है बायोजेनेसिस, उसकी बायोटिकल जितनी भी प्रोसेस होगी मेम्ब्रेन की उसमें हेल्प करेगा, कहने का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो लेयर होगी, मेम्ब्रेन होगी, उसको हेल्प करके रखता है, बचा के रखता है। आगे देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेड ऑफ सिस्टम एंड वेसल्स, ठीक है, तो आपका जो सेकंड और जो फर्स्ट है,
ठीक है, ये आपने जो देखे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दोनों किसके किस क्या होते हैं, ये होते हैं आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दोनों क्या होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या करते हैं ये, हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ध्यान रखिएगा ये प्रोटीन्स का करते हैं, ये लिपिड्स का करते हैं, स्टेरॉल्स का करते हैं और पॉलीसेकेराइड्स सिंथेसिस करते हैं, जबकि ये क्या करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके प्रोटीन्स को सिंथेसिस करता है। कंटेन्स राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस, इसमें इसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जबकि स्मूथ में राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। स्मूथ में राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, इसमें रफ में प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए यहाँ से आप इनके बीच में डिफरेंस लिख सकते हैं। तो देखिए ये मैंने दो तरीके बता दिए आपको, दोनों तरह के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इन दोनों में डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा इसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस किस से बना होता है ये मैंने आपको दोनों यहाँ बता दिया, ये ट्यूबल्स का बना होता है। ट्यूबल्स और ये होते क्या क्या, ये ऊपर मैंने डिस्कस कर लिया है। साइंटिस्टों के बारे में बता चुका हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है। ठीक है, अब एक बार पहले हम स्मूथ और रफ को डायग्राम में देख लेते हैं, फिर इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं। देखिए पहले एक बार हम डायग्राम में चलते हैं। ओके ये देखिए, पहले पीछे चलते हैं हम जो ज़्यादा क्लियर हो। ये देखिए आप यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो ब्राउनिश कलर का आपको लाइट लाइट ब्राउन कलर का दिख रहा है, ये देखिए ये जो है लाइट ब्राउन कलर का पूरा डिस्ट्रीब्यूट, ये क्या है, साइटोप्लाज्म मतलब लिक्विड है। अब इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट आपको वो देखेंगे। तो देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अभी देखिए हम, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अभी हमने देखा, ये रहा आपके इस तरफ है, किसका बना होगा, ट्यूबल्स का। किसका बना होगा, ट्यूबल्स का। ट्यूबल्स क्या है, ये इस तरह से ब्रांच के फॉर्म में होगी, पैरेलल नहीं होगी। तो देखिए आप अब डायग्राम में आ जाइए, तो देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आपको बने हुए हैं, देखिए आप ट्यूब्स के फॉर्म में ब्रांच है, देखिए आप जुड़ी हुई एक दूसरे से ब्रांचेस, देखिए पैरेलल शेप में नहीं है, तो देख पा रहे हैं आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिमिलरली आप यहाँ देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमने दो तरह के देखे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हमने दो तरह के देखे, दोनों के नाम क्या होते हैं, एक होता है आपका सिस्टमे और एक क्या होता है आपका वेसल्स। ठीक है, आपने यहाँ पे देखा सिस्टमे एंड वेसल्स। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ये पैरेलल होती है ट्यूब्स की तरह और ये क्या होगा आपके स्पेयर्स के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो रफ कैसे होंगे, पैरेलल भी हो सकते हैं और स्पेयर्स के फॉर्म में होता है। पैरेलल वाले का नाम ये दिया हुआ है और स्पेयर्स का भी नाम ये दिया हुआ है। अब हम डायग्राम में देख लेते हैं इनको, तो देखिए डायग्राम में ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिया ना यहाँ पर, ये देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखिए एक ये मार्क करा हुआ आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए आप पैरेलल लाइन्स है इस तरह से देखेंगे आप, ये देखिए आप सारी पैरेलल लाइन्स है ये ब्राउन वाली, देख रही है आपको ट्यूब्स के फॉर्म में लेकिन क्या है पैरेलल, जबकि ये क्या है, ये देखिए ये जो नीचे वाली है ना ये भी ट्यूब्स की हैं लेकिन ये पैरेलल नहीं है, ये क्या है ब्रांच फॉर्म में है, दिख रहा है आपको ब्रांच फॉर्म में, इसलिए इनको क्या बोलते हैं स्मूथ और वेसल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं वेसल्स में। और जबकि रफ वाली में क्या होगा, ये ऊपर की तरफ आपको दिया हुआ है और जो स्पेयर फॉर्म में होगी वो भी आपको यहाँ पर शो की हुई है, ये देखिए आप ये ऊपर की तरफ स्पेयर के फॉर्म में, अगर आपको यहाँ दिख ऐसे रही होंगी क्योंकि एक्चुअली इसको यहाँ से यूँ कट किया हुआ है, यूँ कट किया हुआ है ना इसलिए, तो एक्चुअल में क्या है ये ऐसे स्पेयर था लेकिन हमने क्या करा इसको यहाँ से कट करके रखा है ना, तो इसलिए क्या करा ये ऊपर का पोर्शन आपको दिख रहा है केवल, ठीक है स्पेयर का। तो देखिए अब ये देखिए आपको ये स्पेयर दिख रहे हैं यहाँ पर, ये इस तरह से लाइट ब्राउन कलर के स्पेरिकल फॉर्म्स, ठीक है ये देख पा रहे होंगे आप ये रहा, ठीक है तो ये क्या है आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा देखिए, तो देखिए आप ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ये आप देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है हमको, कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो जो रफ है इन दोनों में राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगा, जो स्मूथ वाला है उसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस डायग्राम से मैंने क्लियर कर दिया है आपको तीनों क्या होता है, डायग्राम्स को सेव कर लीजिएगा, ज़्यादा बेटर होता है डायग्राम्स के थ्रू याद करना, या बना भी सकते हैं, ये तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ईजी है। यहाँ भी देख लीजिए आप, मैं इसको इस वाले डायग्राम में भी दिखा देता हूँ आपको, तो देखिए ये जो इसके अंदर है ये रेडिश कलर का लाइट रेडिश कलर का लिक्विड भरा हुआ है, जिसके अंदर ये सब चीज़ें फ्लोट कर रही हैं, मैंने बताया जो, तो ये फ्लूड क्या है आपका साइटोप्लाज्म, फ्लूड क्या है आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करें, तो देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है क्या करेगा आपके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन, अभी हमने देखा है, देख लेते हैं वापस। तो देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा था आपके, यहाँ देखिए आप हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, क्या कर रहा है प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए आप प्रोटीन सिंथेसिस, तो देखिए यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्म जो लिखा हुआ है प्रोटीन, तो प्रोटीन से सिंथेसिस करेगा रफ। ठीक है, अब देखिए आप रफ को यहाँ मार्क किया हुआ है, ये देखिए आप ये मार्क है, ठीक है दिख रहे हैं आपको ये वाला पोर्शन है, ठीक है देख पा रहे हैं आप ये रहा, ठीक है ये मार्क है। अब ये देखेंगे आप तो ये देखिए पैरेलल ट्यूब्स की तरह फॉर्म है। अब हम स्मूथ में चलते हैं, देखिए ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको यहाँ दिया हुआ है, सिंथेसिस किस किस को करेगा, ये लिपिड्स को करेगा और एक डीऑक्सीनेशन फॉर्म में आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फैटी लिपिड्स को करता है एक्चुअल में। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है और जो फंक्शन है, अच्छा दोनों डायग्राम्स को ध्यान रखिएगा क्योंकि इस डायग्राम के अंदर थोड़े और फंक्शन भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखें हम, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये देखिए आप पाइप्स के फॉर्म में, ये देखिए जो लाइट कलर के लाइट ब्लू कलर के दिख रहे होंगे आपको, पर्पल कलर के, ब्लू नहीं पर्पल कलर के, मैं जूम और कर देता हूँ, ये देखिए आप ये पाइप दिख रहे हैं आपको, ये इस तरह से ब्रांच्ड हैं,
देखिए आप ये सारे ब्रांच हैं भाई, ये देखिए किस तरह से कनेक्ट है आपस में, ये सारे पर्पल कलर के, तो ये सब क्या है स्मूथ। और ये जो ब्लूइश कलर में, ये देखिए आप ये ब्लूइश कलर में दिख रहे हैं आपको, ये जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं ये पाइप इस तरह से, तो ये क्या है आपके सॉरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है रफ? अब आप बोलेंगे सर ये पैरेलल नहीं है, देखिए एक्चुअल में ये पैरेलल ही है, ये देखिए ये ट्यूब है इस तरह से पैरेलल और ये ट्यूब है पैरेलल, तो देखिए दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं ये एक्चुअल में, लेकिन बस ये क्या है कि ये कनेक्शन इस तरह से शो होता है, मेम्ब्रेन का क्या होता है नेटवर्क होता है तो उसको कनेक्ट करने के लिए इस तरह से बना होता है ये, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है पैरेलल ही होते हैं। तो होप क्लियर हो डायग्राम किस तरह से है, पूरा डायग्राम मैंने क्लियर कर दिया, तो देखिए हम क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार हम वापस डिस्कस कर लेते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल मेम्ब्रेन बता चुका हूँ, साइटोसोल बता चुका हूँ, और हमने ये साइटोस्केलेटन के बारे में देख लिया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में देख चुके हैं हम, न्यूक्लॉइड के बारे में देख चुके हैं, न्यूक्लियस के बारे में देख चुके हैं, ठीक है ये अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं पूरे डायग्राम के अंदर। तो होप यहाँ से आपको समझ में आ गए हो, क्लियर हो गए हो कि कौन से पॉइंट्स क्या क्या हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक बार फटाफट हम इसके फंक्शंस भी देख लेते हैं अब जल्दी से। देखिए फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इट इज द ओनली ऑर्गेनाइज विच कैन मूव विद इन द सेल, ये एक इकलौता ऐसा ऑर्गेनाइज है जो क्या करता है सेल में मूव हो सकता है, ठीक है। सो इट सर्व्स एज अ चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब देखिए आप वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इसका मतलब क्या है, ये इकलौता ऐसी चीज है जो क्या कर सकती है पूरे सेल ऑर्गन में मूव कर सकती है, तो कहने का मतलब ये है ये इजिली मूव कर सकते हैं, क्या है ये इजिली मूव कर सकते हैं ये दोनों, ठीक है। तो अगर साइटोप्लाज्म के इस पोर्शन में, साइटोप्लाज्म क्या है एक लिक्विड भरा हुआ है इसके अंदर पूरा, समझ रहे हैं ना, इस पूरे के अंदर ये जो रेडिश कलर का अंदर की तरफ दिख रहा है ये पूरा लिक्विड फिल है। अगर साइटोप्लाज्म के इस तरफ आपको कोई प्रोटीन्स की रिक्वायर्ड है, ठीक है क्या है प्रोटीन्स की रिक्वायर्ड है, तो कौन बचाएगा स्मूथ या रफ, कौन बचाएगा स्मूथ या रफ, रफ, क्योंकि रफ में देखा था हमने रफ क्या करता है प्रोटीन्स को करता है, तो अब ये यहाँ रिक्वायर्ड है ना, अगर इस पोर्शन में देखिए आप समझिए इस पोर्शन में रिक्वायर्ड है, ठीक है ब्लैक कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ, इस पोर्शन में अगर साइटोप्लाज्म के प्रोटीन्स के रिक्वायरमेंट है तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये यहाँ से मूव करता हुआ करेगा यहाँ प्रोटीन्स को पहुँचाएगा, तो होप समझ में आया यहाँ प्रोटीन्स को पहुँचाएगा। अब सिमिलरली जस्ट एग्जाम्पल आपके साइटोप्लाज्म के इस पोर्शन में आपको फैट्स की रिक्वायरमेंट है या लिपिड्स की रिक्वायरमेंट है उसके सिंथेसाइज पोर्शन की, तो ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये जो ब्लू ये पर्पल कलर के ये भी फ्लोट कर सकता है मूव कर सकता है, तो ये यहाँ जाके क्या पहुँचाएंगे आपके क्या करेंगे एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेंगे आपके यहाँ पर फैट्स को लिपिड्स को पहुँचाएंगे, ठीक है। तो ये इजिली मूव कर सकते हैं इसलिए साइटोप्लाज्म के किसी भी पोर्शन में सारे मेटेरियल्स को ये इजिली पहुँचा सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है आपको कि क्या फंक्शन करते हैं, ठीक है चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो लिक्विड है मैं एक बार बता देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए आप फटाफट ये देखिए साइटोप्लाज्म इस तरह से लिक्विड है, बाहरी सेल मेम्ब्रेन हो गई आपकी और ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो इस साइटोप्लाज्म से ये जो साइटोप्लाज्म है आपके पास ये जो लिक्विड है साइटोप्लाज्म, इस साइटोप्लाज्म में अगर न्यूक्लियस के अंदर कुछ चीज़ जाएगी तो वो भी किसके हेल्प से जाएगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। कोई भी मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होंगे साइटोप्लाज्म से किसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर, तो कौन ट्रांसपोर्ट करेगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो होप दोनों फर्स्ट पॉइंट समझ में आओ। सेकंड पॉइंट देखिए, इट आल्सो फंक्शन एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क टू प्रोवाइड स्पेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज, और ये करता है स्पेस प्रोवाइड करता है बायोकेमिकल एक्टिविटीज के, मतलब सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म होगी, ठीक है किसी का डाइजेशन होना या बोलिए कोई भी चीज़ का सिंथेसाइज होना, किसी भी चीज़ का प्रोटीन्स का लिपिड्स का किसी का सिंथेसाइज होना या नए सेल का बनना टूटना सेल में रिपेयरिंग होना, तो उस सब के लिए कौन करेगा जो साइटोप्लाज्म है ये क्या बनाता है एक फ्रेमवर्क बनाता है, क्या करता है एक फ्रेमवर्क एक पूरा स्ट्रक्चर बनाता है उसके अंदर, कहने का मतलब क्या होता है मतलब अवेलेबल कराता है हर चीज़ को, मतलब एक तरीके से हम मान के चलिए ये साइटोप्लाज्म रेटिकुलम क्या हुआ एक तरीके से आपके सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हुआ एक तरीके से आपको हर चीज़ प्रोवाइड कराएगा बायोकेमिकली ताकि आप सारे फंक्शन को परफॉर्म कर सके सेल के अंदर, ठीक है अपने आप, ठीक है बायोकेमिकल एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकें, ठीक है। अच्छा इट फॉर्म्स एंडोस्केलेटन ऑफ सेल, ठीक है आपके सेल का एंडोस्केलेटन बनाएगा, स्केलेटन मतलब पता है आपको अंदर की तरफ एक स्केलेटन बनाता है, ठीक है स्केलेटन मतलब एक ढांचा होता है, ठीक है स्ट्रक्चर, ठीक है तो बायोकेमिकल एंडोस्केलेटन सेल बनाएगा। थर्ड देखिए, इट हेल्प्स इन सिंथेसाइज ऑफ फैट्स स्टेरॉइड्स और कोलेस्ट्रॉल, ठीक है कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है सिंथेसाइज करता है, ये हम देख भी चुके हैं पीछे, कौन फैट कौन करेगा आपके, ये देखिए फैट आपके कौन करेगा जस्ट अ मिनट या यहाँ पर देखिए फैट्स और लिपिड्स को कौन करेगा स्मूथ, जबकि रफ किसको करेगा प्रोटीन्स को, ठीक है तो इनको सिंथेसाइज करता है ये हम देख चुके हैं हेल्प करता है उनकी। नेक्स्ट क्या है स्टेरॉइड्स बता चुका हूँ मैं आपको, इंजेक्शन लेते हैं बॉडी बिल्डर्स। आगे देखिए इट कंटेन्स सिक्रेटरी प्रोटीन्स, ठीक है बेसिकली क्या है आपके ये प्रोटीन्स को भी क्या करता है सिक्रेट करके रखता है, ठीक है सेक्रेटरी प्रोटीन्स भी रखता है आपके पास कुछ। आगे देखिए फिफ्थ पॉइंट क्या है, SER प्लेज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER का मतलब क्या है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डीऑक्सीफाइजेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजनस बाय प्रोडक्ट्स,
कहने का मतलब क्या है, ये एक तरीके से जो SER होता है ये डीऑक्सीनेटिफिकेशन का काम करता है ड्रग्स के अगेंस्ट, मतलब ऐसे कोई ड्रग्स आपके बॉडी के अंदर चल जाए या पॉइजनस प्रोडक्ट्स चल जाए तो उससे आपकी हेल्प करता है, ठीक है, उससे बचाने के लिए आपकी क्रूशियल हेल्प करता है कौन, SER। ये आपको ध्यान रखना है, मैंने यहाँ डायग्राम में भी दिखाया है, मैंने इसलिए बताया था ये डायग्राम भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इस डायग्राम के अंदर कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा ऐड किए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर भी लिखा है डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, यहाँ भी देख लीजिए आप, मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया, देखिए आप, तो SER प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है, तो ड्रग्स वगैरह के लिए और जो भी पॉइजनस चीज़ें हमारे बन के अंदर बॉडी के अंदर कभी कभार बन जाती हैं तो उनको डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करता है, मतलब उनको खत्म करने का, कम करने का काम करता है, कौन करता है, SER। तो होप समझ में आ गया आपको कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या फंक्शन करता है, किस तरह से परफॉर्म करता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस मैंने बता चुका हूँ कि क्या फंक्शंस होते हैं, किस तरह से परफॉर्म करता है, ओके, ठीक है, रफ स्मूथ आपको ध्यान रखना है, साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, मेम्ब्रेन प्रेजेंस होती है, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सारे फंक्शन हम देख चुके हैं, सीरियल वाइज मैंने सारे फंक्शन बता दिए हैं, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ओके, नेक्स्ट अब नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें गॉल्गी ऑपरेटर्स और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ओके, थैंक यू।